किसानों का गुस्सा शांत करेगी मोदी सरकार। खेती बिल का विरोध और सरकार का एक्शन। रबी की फसलों के लिए जारी की गई नई MSP। गेहूं, चना, जौ, सरसों, मसूर और रेप सीड की MSP बढ़ाई गई। कृषि विधेयक यानी एग्रीकल्चर बिल के विरोध के बीच सरकार ने गेहूं की MSP पर 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि का ऐलान कर दिया है। चने की MSP में 225 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। सरकार ने गेहूं, चना, जौ, सरसों, मसूर और रेप सीड पर MSP बढ़ाई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह ऐलान किया। उन्होंने रबी की 6 फसलों की नई MSP जारी की है। बता दें कि संसद में खेती बाड़ी के 2 विधेयक पास होने के बाद न सिर्फ विपक्ष हमलावर है बल्कि हरियाणा और पंजाब के किसान बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं। सरकार के इस एक्शन को किसानों का गुस्सा शांत करने के तौर पर देखा जा रहा है। PM मोदी ने दिया था भरोसा। MSP के बारे में किसानों को आश्वस्त करते हुए PM ने कहा था कि मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर कहता हूं, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की मदद के लिए हर कोशिश करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुरक्षित करेंगे। बढ़ी हुई MSP से किसानों को 106% तक के लाभ का दावा। खेती बाड़ी मंत्री ने कहा कि किसानों के हित में मोदी सरकार का एक और फैसला लिया गया है। MSP पर खरीद जारी रहेगी। बढ़ी हुई दर से किसानों को 106% तक का फायदा होगा। गेहूं पर MSP 1975 रुपए प्रति क्विंटल घोषित की गई है और गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। तोमर ने कहा कि चने का समर्थन मूल्य 5100 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। चने के समर्थन मूल्य में 225 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ है। इसके अलावा जौ का समर्थन मूल्य 1600 रुपए प्रति क्विंटल घोषित हुआ है और 75 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। मसूर का समर्थन मूल्य 5100 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। सरसों एवं रेपसीड का समर्थन मूल्य 4650 रुपए प्रति क्विंटल घोषित हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा कि साल 2013-14 में गेहूं की MSP 1400 रुपए थी, जो 2020-21 में बढ़कर 1975 रुपए हो गई है, यानी MSP में 41% की बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में धान की MSP 1310 रुपए थी, जो 2020-21 में बढ़कर 1868 रुपए हो गई है। साल 2013-14 में मसूर की MSP 2950 रुपए थी, जो 2020-21 में बढ़कर 5100 रुपए हो गई है। साल 2013-14 में उड़द की MSP 4300 रुपए यानी 4300 रुपए थी, जो 2020-21 में बढ़कर 6000 रुपए हो गई है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, पंजाब केसरी।